हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आई है उसकी फॉर्म फिलिंग की डेट लगभग लास्ट आने को है। मतलब अगर ये वीडियो 9 तारीख को बनाया जा रहा है तो मतलब आपकी लास्ट डेट है 16 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। 16 के पहले आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। 16 के पहले एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि देखिए 2 या 3 दिन पहले सर्वर का बहुत ज़्यादा इशू होता है, अक्सर देखा गया है। तो आप ये कोशिश करिए कि आपका फॉर्म 13 के पहले पहले किसी भी हालत में फिल हो जाए, मतलब 13 के बाद जाने की आपकी नौबत ना आए। बहुत सारे डाउट्स हैं अभी भी लोगों के, जैसे एक्सपीरियंस को लेके डाउट है। एक्सपीरियंस को लेके बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति है कि क्या बिना एक्सपीरियंस के फॉर्म भरना ठीक है या नहीं है। फिर कुछ लोगों के मन में डाउट है एनओसी को लेकर के। कुछ लोग बोल रहे हैं एनओसी अभी देना है या बाद में देना है ना। एग्जाम कब हो सकता है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा बात करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी से गलती हो गई है, फॉर्म में कोई गलत हो गया है, तो क्या एडिट किया जा सकता, कोई ऐसा ऑप्शन है या नहीं है, इन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले चलिए एक बात ये देख लेते हैं, जो कि काफी लोगों का क्वेश्चन आया मेरे पास, कि जो इसमें स्पेशली ग्रेड को कन्वर्ट करने का फार्मूला है वो कौन सा लगेगा। तो पहले तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, इसमें जो फार्मूला है आप लोगों के मार्कशीट के पीछे दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत अंकों में परिवर्तन करने का फार्मूला मान्य होगा, है ना। मतलब AICTE का जो ऑफिशियल फार्मूला है, ये बात है। दूसरी बात, कार्य अनुभव को लेकर अभी काफी लोगों को डाउट था, और भी डाउट था। मुझे किसी सज्जन ने बताया कि यहाँ अथवा एक जगह लिखा हुआ है और इसका कुछ मीनिंग अलग होता है। जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए तो न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता, मतलब एमटेक। न्यूनतम शैक्षणिक मतलब बीटेक अथवा एमटेक के अलावा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 1 वर्ष का अनुभव। तो उनका कहना यह था कि यहाँ अथवा लिखा है, अथवा मतलब चाहे आपका बीटेक हो चाहे एमटेक हो, इसके अलावा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान में अनुभव होना चाहिए। तो उनका कहना यह था, उनका तर्क यह आ रहा था कि सर इसके मतलब से फिर हम बीटेक वाले भी अगर पढ़ा रहे हैं, बीटेक के बाद भी किसी ने पढ़ाया है तो वो एलिजिबल है। लेकिन देखिए उनका यह तर्क खारिज होता है अगला नोट है, जो देखिए इस नोट को आप पढ़िए, ये वाला पॉइंट आप पढ़िए। अगर इसको यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, शिक्षण अनुभव, शैक्षणिक अनुभव, शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद का मान्य होगा तथा कार्य अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब बीटेक के बाद का भी मान्य होगा। यहां से देखिए एकदम साफ साफ है, बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट मत रखिए। अब टीचिंग एक्सपीरियंस आपका एमटेक के बाद ही लिया जाएगा। दूसरी बात, चलिए ये तो आगे की बात है कि साक्षात्कार में सम्मिलित होना अनिवार्य है। अगर आप साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में सम्मिलित नहीं होगे तो आप मेरिट लिस्ट से ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे, ठीक। एक और बात थी कि जो यहाँ साफ साफ लिखी हुई है, देखिए अभ्यर्थी जिस वर्ष सत्र में बीटेक या एमटेक उत्तीर्ण हुए हैं उस वर्ष सत्र का बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत अंकों में परिवर्तन करने का फार्मूला संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतलब पर्टिकुलर उस साल जिस साल आप पास हुए हैं उस साल क्या नियम था, हो सकता है नियम बाद में चेंज हो गया हो, लेकिन आपको उसी साल का देना है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मार्कशीट में अक्सर लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा है तब आपको उस साल AICTE का जो फार्मूला था, या AICTE का फार्मूला तो मान लीजिए कॉमन है, वो वाला फार्मूला आपको उसकी PDF दे देनी है, ठीक। यहां तक आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। अब अपन मेन बात पे आते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए जैसे क्या है फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां फॉर्मेट दिया हुआ है शिक्षण संस्थान के लिए, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ आपको प्रमाणित करवाना है अपने जिस भी विभागाध्यक्ष से, अपने जाकर के वहां संस्थान जो भी है उनसे जाके और उनके साइन करवा के यहाँ लाके जमा करना है, ठीक। दूसरा है यहाँ कारखाना हेतु। कारखाना में देखिए यहाँ बहुत बड़ी बहस है। कारखाना में मतलब ये है कि कारखाना को अगर इंग्लिश में देखिए तो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के अंदर सभी की इंडस्ट्रियल वर्क आ जाता है। इंडस्ट्रियल वर्क में स्पेशली तो जैसे यहाँ प्रोडक्शन होता है वहां होता है ना, लेकिन जैसे आईटी वालों की आईटी इंडस्ट्री है, सबकी अपनी अपनी इंडस्ट्री है। तो आप लोग देखिए यहाँ लगा सकते हैं, बस ये है आपके उसमें मिनिमम 400 वर्क फोर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि अगर आप लगा दोगे तो बाद में आपका कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है ना।
वहां आप फिर बाद में ये बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर बीपीएससी पूरी तरह से जिद करता, बीपीएससी की तरफ से ये होता कि नहीं कारखाना का मतलब यही है कि केबल और केबल फैक्ट्री है ना, तो वहां आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, फिर हमारे लिए कौन सी फैक्ट्री, जैसे आईटी वालों के लिए कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री में वो काम करेंगे, या मान लीजिए फैक्ट्री में काम करते भी है, मान लीजिए आईटी वालों को कुछ होता है लेकिन बहुत कम होता है ना, तो लगा सकते हैं आप लोग, जहां तक हमने जो इसके बारे में किया एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, फिर बाद में अगर कुछ इशू होता तो आप वहां अपना तर्क दे सकते हैं, ठीक, लेकिन ये आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, ये बात रही। तो देखिए एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, सबसे पहले तो जो 150 मार्क्स का पेपर होगा इसमें से ढाई गुना 2.5 टाइम्स लोगों को, मतलब 190 लोगों को लगभग लिया जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है 190 लोग कौन होंगे, बीटेक वाले होंगे, एमटेक वाले होंगे, पीएचडी वाले होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के आप ये समझिए कि एक भीड़ है, पूरी पूरी भीड़ है, इस भीड़ से आपको अगर बाहर आना है तो सबसे पहले आपको 190 लोगों की लिस्ट के अंदर आना है ना, 190 लोगों की लिस्ट के अंदर पहले आइए, बाद में देखा जाएगा कि आपका क्या कौन सा है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कितने मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, ये चीजें आप बाद में देखिए, ठीक। ये बातें रही, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एनओसी को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था एनओसी के। देखिए एनओसी के मामले में ऐसा है, एनओसी अगर आपको अभी नहीं मिल पा रही है, अभी करंट सिनेरियो में अगर आपको एनओसी नहीं मिल पा रही है तो चिंता मत करिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप जो है तो आप अभी एप्लीकेशन दे दीजिए, आप अभी अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन दे करके और उस एप्लीकेशन की रिसीप्ट आप रिसीप्ट को लगा दीजिए यहाँ, है ना, यहाँ पीडीएफ के रूप में, और फिर जब आप बाद में आप डीवी कराइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा, उस टाइम पे आप एफिडेविट के साथ आप ओरिजिनल वाली लगा दीजिएगा, ठीक, जो आपको मिलेगी। अगर नहीं मिल पा रही, देखिए मिल रही है तो सिंपल सी बात है, आप उसी को लाइए, अगर नहीं मिल पा रही है तो उनके लिए ये सोल्यूशन है, आप ऐसा कर सकते हैं, तरीका है, ठीक। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई गलती होगी तो फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। देखिए एडिटिंग का बीपीएससी में साफ साफ लिखा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपसे गलती हो गई है तो केवल और केवल एक ऑप्शन है कि आप उस फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा और दूसरा करना पड़ेगा, उसमें आपकी फीस जो है तो दोबारा लग जाएगी, दोबारा पे हो जाएगी और आपका फॉर्म रिफिल हो जाएगा। तो पहली बात तो ध्यान रखिए फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना करें, कोई गलती हो गई है तो आपको दोबारा कैंसिल करके करना होगा, दैट्स इट। तो लगभग मैंने ये सारी बातें बता दी हैं। एग्जाम कब हो तक हो सकता है, तो देखिए एग्जाम की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो जून है ना, जून में मैक्सिमम पॉसिबल है कि एग्जाम हो जाएगा, जून को लेकर के हम भी चल रहे हैं प्रॉपर, अच्छे से तैयारी प्रॉपर करवा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कॉम्पिटिशन कितना होगा, क्या कॉम्पिटिशन का लेवल है। देखिए कॉम्पिटिशन का लेवल तो ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें क्या है, लेकिन एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि कंपटीशन इसमें केवल इतना है, इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग ज्यादा है, वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग ज्यादा है, तो मेन कंपटीशन वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच में, तो मतलब ऐसा नहीं इसमें स्टूडेंट वाली कैटेगरी बहुत कम आ रही है, स्टूडेंट की कैटेगरी कम आ रही है, तो इसमें कट ऑफ वगैरह बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ वगैरह बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, कट ऑफ वगैरह कम ही रहेगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। तो देखिए पूरी भीड़ है, आप ऐसा देखेंगे कि पूरी भीड़ है, और भीड़ से अगर आपको निकलना है तो फिर देखिए आप यही लाइन याद रखिए कि तरक्कियों की दौड़ में उसका जोर चल गया, बना के रास्ता कोई जो भीड़ से निकल गया। देखिए टाइम लगभग सबके पास सेम है, सिलेबस भी सबके पास उतना है और सिलेबस भी सबके पास नया है, मतलब ये है कि अगर किसी को तैयारी करनी है तो उसको ऐसा नहीं है कि कोई पहले से पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें अदर ब्रांच का पढ़ना है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सिविल है, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई मैकेनिकल है, ठीक, या कोई सीएस है, जो सिविल का है उसको दोनों को पढ़ना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिकल का है उनको इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा, जो मैकेनिकल का है उनको इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिला के यहाँ है कि सभी लोग नए हैं इस एग्जाम के लिए, सभी लोग नए हैं और सभी के लिए एक भीड़ भरा माहौल है और इससे निकलने का एक रास्ता है ना। तो जो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करके कर लेगा इस टाइम को, अच्छे से यूटिलाइज करके थोड़ा कम्फर्ट जोन से बाहर आ जाएगा। देखिए होता यही है कि भीड़ में से कुछ लोग बाहर निकल के आगे चले जाते हैं और कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है आपको तैयारी किस स्तर की करनी है,
आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से लग जाइए पूरी तरह से। ये 2 से 3 महीने का जो समय है इसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए। 2 से 3 महीने एक कमरे में बैठ करके, आप जॉब में हैं तब भी आप अपने, आपके पास मान लीजिए 8 घंटे आप जॉब कर रहे हैं, तब भी आप 4 से 5 घंटे दीजिए इस टाइम को, और यहाँ अच्छे से यूटिलाइज करके और कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है तो और अच्छा, उसमें एड ऑन है ना, आपके पास एमटेक है और अच्छी बात है, नहीं है तो भी कर सकते हैं। ठीक, बस ये है कि कंसिस्टेंटली आपको जो होता है एफर्ट इसमें लगाना होगा, क्योंकि नई नई चीजें हैं, नया सिलेबस है, नया सब कुछ है ना। तो करिए बढ़िया तैयारी। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच इसके लिए चल रहा है, हमारा बैच चल रहा है डेडिकेटेड, हमारा चाणक्य बैच चल रहा है। चाणक्य बैच के अंदर कंप्लीट कोर्स है इसका, जनरल इंजीनियरिंग सब कुछ इसमें प्रॉपर, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब कुछ प्रॉपर वे में कराया जा रहा है। लाइव क्लासेस इसमें दी जा रही है, प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियोज भी दिए जा रहे हैं, 5000+ MCQ विद सोल्यूशन है, टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स और PDF। मतलब ये है इसके बाद फिर आपको बाहर से कुछ भी कहीं भी नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ सफिशियंट कंटेंट कराया जा रहा है। फैकल्टीज के बारे में अगर बात करें तो देखिए सारे फैकल्टीज वेल एक्सपीरियंस्ड है, मतलब भारत सर को अगर आप देखिए, भारत सर ऑलरेडी AE है अभी, है ना, UK गवर्नमेंट में, उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर है ना, और वो पढ़ा रहे हैं, 10 से 12 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस है। अगर आप बात करें मैकेनिकल के लिए तो उत्तम सर हैं, उत्तम सर का तो आपको पता ही है, उत्तम सर ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में गेट और ईएस के लिए करा चुके हैं तैयारी, है ना। और पीयूष सर को तो आप जानते ही हैं, लगभग 2014 से पढ़ा ही रहे हैं, यूट्यूब में उनके तो सारे वीडियो डले हुए हैं, 1700+ वीडियो डले हुए हैं। तो नो डाउट आपको जो फैकल्टीज का यहाँ कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो बहुत ही बेस्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी करते हैं हमारे साथ जुड़ करके तो निश्चित तौर पर आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। सो गाइस स्टार्ट करिए तैयारी अपनी। आपको अगर कोई भी डाउट है हमारे बैच के रिगार्डिंग तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर, इन नंबर पे आप कॉल करिए 7999720833 9340888429। आपका कोई भी क्वेरी है तुरंत आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और स्टार्ट कर लीजिए अपनी तैयारी प्रॉपर वे में। देखिए स्पेशली अगर देखिए तैयारी के लिए आप कब से तैयारी शुरू कर सकते हैं तो देखिए ये जो 10 अप्रैल है ना, ये 10 अप्रैल है, लेकिन ये एक और स्पेशल दिन है, ये है हिंदी कैलेंडर का, या जो अपना कैलेंडर होता है, जो अपना पुराना कैलेंडर है, हिंदुस्तानी कैलेंडर है, उसका ये नव वर्ष है, उसका ये न्यू ईयर है। तो आप न्यू ईयर से ये तैयारी शुरू कीजिए, न्यू ईयर से बढ़िया एक नई तैयारी शुरू कीजिए, और नई तैयारी नया लक्ष्य लेकर के चलिए। और प्रॉपर अभी जो 2.5 से 3 महीने का ये समय है ना, इसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बस ये है कि एक दृढ़ संकल्प लेना होगा, एक प्रण लेना होगा। अगर आपको भीड़ से बाहर रहना है, जैसा कि मैंने पहले बताया है ना, अगर आपको भीड़ से बाहर निकलना है तो आपको कोई ना कोई रास्ता एक बनाना पड़ेगा, और ये रास्ता आपको खुद बनाना है ना। देखिए हमारा काम इतना है, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दें, कंटेंट प्रोवाइड कर दे, कंसोलिडेटेड कंटेंट। मेहनत तो देखिए आपको करनी है ना, तो मेहनत के लिए आप तैयार रहिए। मेहनत से देखिए कोई, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप अगर मेहनत करेंगे, पूरे दिलो जान से मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपके हाथ लगेगी। ऐसा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करते रहिए बढ़िया तैयारी, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।